नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और आप देख रहे हैं टेक ज्ञानचो। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही स्पेशल होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में मैं एक ऐसे प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आया हूं जो आपसे आप में से कई सारे लोगों की प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, बिकॉज इस वीडियो को मैंने काफी डिटेल में बनाया है, तो आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप मिस ना हो जाए, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम YouTube पर किसी भी वीडियो को प्ले करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक क्वालिटी पे रन होने लगता है ऑटोमेटिकली, यानी आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है उस बेसिस पर वो ऑटोमेटिकली एक क्वालिटी को सेट कर देता है और उसी क्वालिटी पर वो वीडियो रन होने लगती है। अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो ऑटोमेटिकली हाई क्वालिटी पर वीडियो रन होने लगेगी। अगर आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली लो क्वालिटी पर रन होने लगती है। अब मैं आपको बता देता हूँ एक वीडियो प्ले करके। जैसे ही हम किसी भी वीडियो को प्ले करते हैं हमारे YouTube पर जाने के बाद, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑटोमेटिक सेट एक क्वालिटी को ले लेता है और उसी क्वालिटी पर उस वीडियो को रन करने लगता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी एक वीडियो प्ले कर ली, मैं यहाँ पर म्यूट कर देता हूँ इसे ताकि कोई कॉपीराइट इशू ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों क्वालिटी का हमारे लिए यहाँ पर ऑप्शन होता है, ऑटो प्ले का ऑप्शन होता है और भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं जिसे हम यहाँ से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, तो क्वालिटी जो है वो ऑटोमेटिक सेट होती है इसमें। अगर आपको कम या ज़्यादा करनी है तो आपको यहाँ से मैन्युअली उसे चेंज करना होता है। जैसे ही आप इस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन ओपन हो गए, जिसमें प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन भी आ गया। अगर सबटाइटल होता है वीडियो में तो उसका भी ऑप्शन आ जाता है, आपको ऑन रखना है या ऑफ रखना है। और साथ ही साथ आपके सामने क्वालिटी का ऑप्शन आ गया है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे ऑटो 144p, इसने ऑटोमेटिकली इसे 144 की क्वालिटी पर रन किया है, बिकॉज मेरा जो इंटरनेट स्पीड है वो काफ़ी लो चल रहा है इस वक्त, इसलिए इसने लो क्वालिटी पर इसे ऑटोमेटिकली रन किया है। अब अगर इसे मुझे लो क्वालिटी में देखना है तब तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मुझे इसे हाई क्वालिटी में देखना है तब मुझे यहाँ से इसे मैन्युअली जा करके सेट करना होता है। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे सामने मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं अप टू फुल HD, ठीक है। तो जिस क्वालिटी तक की वीडियो अवेलेबल होगी, अगर ये वीडियो फुल HD में अवेलेबल नहीं होती तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 720 या 480 तक का ही ऑप्शन आता, बट जनरली ये मोस्ट ऑफ द वीडियोस में सारे ऑप्शन आपको देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप अपना स्पेसिफिक क्वालिटी जो भी है वो चूज कर सकते हैं, फिर वो वीडियो जो है उसी स्पेसिफिक क्वालिटी में रन होने लगेगी। लेट से मैंने 240 सेलेक्ट कर लिया, तो अब ये वीडियो जो है 240 पर सेट हो जाएगी। बट इसके बाद की जो वीडियो होगी वो ऑटोमेटिकली अगेन मेरी इंटरनेट स्पीड के बेसिस पे ये जज करेगा और ऑटोमेटिकली एक क्वालिटी को सेट कर देगा। हो सकता है वो 240 से ज्यादा भी हो या हो सकता है वो 240 से कम भी हो, तो ये सारा कुछ खेल है जो डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पे। बट कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमें एक स्पेसिफिक क्वालिटी पर ही कंटिन्यूस कुछ वीडियोस देखनी होती है। लेट से अगर मुझे 240 की स्पीड पर ही मल्टीपल वीडियोस देखनी है, कुछ मैं ऐसे काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे कंटिन्यूस वीडियो देखने हैं बट मुझे हाई क्वालिटी पर नहीं देखना है क्योंकि मुझे मेरा जो है डेटा वो कम यूटिलाइज करना है। हो सकता है बहुत से लोगों के पास अनलिमिटेड डेटा हो, बट बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके पास लिमिटेड डेटा होता है और वो सारा डेटा सिर्फ यूट्यूब के लिए यूज नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास हर बारी आपको जाकर के मैन्युअली सेटिंग में चेंज करनी होती है जो भी क्वालिटी आप एक प्रीफर्ड क्वालिटी चूज करना चाहें। इस केस में यूट्यूब का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर हमें यूट्यूब ऐसी सेटिंग्स नहीं प्रोवाइड करता है जिससे हम एक डिफॉल्ट क्वालिटी को सेट कर सकें कंटिन्यूस, यानी कि जब तक हम उसे छेड़छाड़ ना करें वो हमेशा के लिए परमानेंटली वो सेट हो जाए। इस तरीके की कोई भी सेटिंग हमें यूट्यूब में नहीं मिलती है। लेट से मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों जैसे ही मैंने सेटिंग पर क्लिक किया, ये एक पेज ओपन हो गया। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है बट आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पर ही बात कर रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ उसी के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं प्लेबैक एंड परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पे। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, मेरे सामने अगेन एक ऑप्शन वाला पेज ओपन हो जाएगा जहां पर ये तीन ऑप्शन मुझे मिलते हैं। सबसे पहला है इन्फो कार्ड्स, यानी कि यहाँ पर मैं अनटिक भी कर सकता हूँ जो कि कार्ड्स के जो ऑप्शन दिखाई देते हैं हमें यूट्यूब में। आप भी जानते हो कि ज्यादातर यूट्यूबर्स जो है अपने वीडियो में कार्ड्स का यूज करते हैं, लाइक जब भी उन्हें कोई दूसरी वीडियो का प्रमोशन करना होता है अपनी रनिंग वीडियो में, तो वो कहते हैं कि दोस्तों ऊपर की तरफ आई बटन में आपको लिंक दिख रही होगी उस वीडियो की, पर्टिकुलर वीडियो की, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, उसे कार्ड्स कहते हैं दोस्तों। तो उसका ऑप्शन यहाँ पर आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं।
और आपके पास सबटाइटल के लिए भी ऑप्शन है दोस्तों, कि उसकी भी सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बट आज हम बात कर रहे हैं AV1 सेटिंग जो यहाँ पर दिखाई जा रही है उसके लिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑटो रिकमेंडेड पे सेट है, यही जनरली डिफॉल्ट सेटिंग होती है सभी के यूट्यूब के ब्राउजर में। तो अब यहाँ पर दो अलग ऑप्शन आपको ये मिल जा रहे हैं, एक है प्रीफर AV1 फॉर SD एंड दूसरा है ऑलवेज प्रीफर AV1। अब इन दोनों का मतलब दोस्तों बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं उतना डीपली नहीं जाऊंगा। सीधा सीधा मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें सिंपल ऑप्शन क्यों नहीं दिया गया है, लाइक 144, 240, 360, 480 एंड सो ऑन, जो भी है आगे की चीजें। इस तरीके से अगर दी होती तो हम इसे इजीली सेट कर सकते थे एक डिफॉल्ट क्वालिटी पर, बट वो ऑप्शन हमें यहाँ पर नहीं देखने मिलता है। तो दोस्तों अब हम क्या करें कि अगर हमें एक डिफॉल्ट क्वालिटी सेट करनी है हमारे वीडियोज के लिए, तो दोस्तों इसी चीज का सोल्यूशन जो है मैं आज लेकर आया हूँ। ये एक तरीके का एक्सटेंशन है जो आप लोगों को ऐड करना होगा आपके किसी भी ब्राउजर में, जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं। तो जैसे कि अभी फिलहाल मैं क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को क्रोम के लिए ही दिखाऊंगा, बट अगर आप मोजिला यूज करते हैं या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करते हैं या कोई भी अदर ब्राउजर यूज करते हैं, तो उसके लिए भी आप वही प्लगइन जो है यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो हम आ जाते हैं न्यू टैब पर। न्यू टैब पर आने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करूंगा एनहांसर फॉर यूट्यूब। तो जैसे ही मैं एनहांसर फॉर यूट्यूब डालता हूं दोस्तों, मेरे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पर काफी सारे ऑप्शन मेरे लिए आ जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको मिल रहा है गूगल क्रोम के लिए, एनहांसर फॉर यूट्यूब। ठीक है, ये है गूगल क्रोम के लिए, यानी जितने भी क्रोम, गूगल क्रोम वाले जो ब्राउजर है या जो क्रोमियम ब्राउजर है, जैसे गूगल क्रोम की तरह दूसरे भी ब्राउजर होते हैं दोस्तों, लेट से एक मैं बता देता हूँ, सेंट है जो कि एक क्रोमियम ब्राउजर है, उसमें भी आप इसी एक्सटेंशन को यूज कर सकते हैं। फिर अगर आप नीचे देखेंगे दोस्तों, एडॉन्स डॉट मोजिला, ये मोजिला के लिए दिया गया है दोस्तों, मोजिला में आप इसे एड ऑन कर सकते हैं। है ये एक ही चीज सिर्फ मोजिला के लिए, यहाँ से आपको करना होगा। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए अगर आपको करना है तो वो टाइप करके आपको फाइंड आउट करना होगा, उसके लिए भी आपको मिल जाएगा। तो अभी हम क्रोम के लिए कर रहे हैं, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस पेज पर अभी मेरे सामने एक ऑप्शन आ रहा है ऐड टू क्रोम, यानी यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और ये ऑटोमेटिकली क्रोम के जो ब्राउजर है उसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मुझे एक पॉपअप भी आ गया, यहाँ पर पूछ रहा है ऐड एक्सटेंशन, तो यस ऐड एक्सटेंशन। जैसे ही मैंने ऐड एक्सटेंशन किया दोस्तों, मेरे सामने ऑटोमेटिकली दो न्यू टैब ओपन हो जाएंगे इसी क्रोम ब्राउजर में। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉपअप आ गया है कि ये सक्सेसफुली जो है ऐड हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो ऑटोमेटिकली टैब ओपन हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहला जो ये टैब है जो ओपन होगा, इसमें आपको दिखाया जाएगा कि हाउ टू यूज एनहांसर। तो ये तो मैं आप लोगों को बता ही देने वाला हूँ, बट यहाँ से भी आप जा करके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है और किस तरीके से आपको करना है। दूसरा जो टैब है दोस्तों, वो ओपन हो जाएगा इसी के ऑप्शंस का। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ओपन हो गया है, हम यहाँ से भी फर्स्ट टाइम चाहें तो यहीं से कर दें और बाद में भी इस पेज पर हम आ सकते हैं। वो कैसे आना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलो यहाँ से मैं आप लोगों को ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शन आ जा रहा है क्वालिटी के लिए, ये रहा दोस्तों प्लेबैक क्वालिटी। तो प्लेबैक क्वालिटी में देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं अगर कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो ये रेड मार्किंग हो रही है, बिकॉज ये यहाँ पर टिक नहीं है, ये अनटिक है। जैसे ही मैं इस पर टिक करूंगा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट अ प्लेबैक क्वालिटी पर, तो ये ऑप्शन जो है ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ से दोस्तों मुझे ये सेटिंग्स जो है चेंज कर देनी है। अब अगर मुझे ऐसी सेटिंग रखनी कि जब भी मैं कोई सिंगल वीडियो प्ले करूँ तो वो किस क्वालिटी पर रन होनी चाहिए, तो यहाँ से मैं जाता हूँ दोस्तों, मैं ले लेता हूँ चलिए 144 पे। अब अगर मैं कोई प्लेलिस्ट रन कर रहा हूँ तो वो किस क्वालिटी पे होनी चाहिए, सो लेट से मैं ये भी ले लेता हूँ दोस्तों 144 पे, या चलिए 240 पे ले लेते हैं। मैंने प्लेलिस्ट की सेटिंग चेंज कर दी। देन पॉपअप प्लेयर एंड एम्बेडेड वीडियो, इसकी भी मैं चलिए 240 रख देता हूँ। देन अगेन सेलेक्ट अ डिफरेंट प्लेबैक क्वालिटी व्हेन एंटरिंग द फुल स्क्रीन मोड। तो दोस्तों फुल स्क्रीन मोड के लिए भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे वीडियो, जब सिंगल वीडियो होगी तो 144, अगेन प्लेलिस्ट के लिए 240 एंड पॉपअप प्लेयर के लिए मैंने ले लिया 240। तो ये मैंने अब डिफॉल्ट सेटिंग कर दी है दोस्तों। अब जब तक मैं यहां से ये सेटिंग को चेंज नहीं करता दोबारा, तब तक ये सेटिंग्स एज इट इज ही रहेंगी, और यूट्यूब पर जब भी मैं कोई वीडियो प्ले करूंगा वो ऑटोमेटिकली 144 की ही क्वालिटी पर प्ले होगा, वो उससे ज्यादा क्वालिटी पर प्ले होगा ही नहीं, चाहे मेरी इंटरनेट स्पीड कितनी भी फास्ट क्यों ना हो, उसे मुझे मैनुअली ही करना होगा। ठीक है, ये हो गई डिफॉल्ट सेटिंग जो हम यूट्यूब के जरिए नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये एक्सटेंशन ऐसा है जो आप लोगों के बहुत ही काम आने वाला है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यूट्यूब के पेज पर जाकर। तो दोस्तों जैसे ही हम यूट्यूब के पेज पर आते हैं, आप देखेंगे दोस्तों, अब इस वीडियो की मैं क्वालिटी आप लोगों को दिखा देता हूँ चेक करके कि ये किस क्वालिटी पर प्ले हो रही है।
जैसे ही मैं यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करता हूँ दोस्तों, अगेन मेरे सामने ऑप्शन ओपन हो गया और देखिए क्वालिटी में दोस्तों 144p लिखा हुआ है। पहले था ऑटो 144p, यानी इसने ऑटोमेटिकली 144 पर इसे प्ले करा था क्योंकि मेरे इंटरनेट की स्पीड जो है वो कम थी, बट अब ये बाय डिफॉल्ट ही 144 पर प्ले होगा और चाहे मैं कोई भी वीडियो चलाऊं, जैसे कि मैं आप लोगों को एक दूसरी वीडियो भी अभी चला के दिखा देता हूं दोस्तों, वो भी इसी क्वालिटी पर रन होगी। बट उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पर देखिए काफी सारे ऑप्शन आपको दिखने लग गए होंगे जो कि पहले नहीं दिख रहे थे। ये दोस्तों उस एक्सटेंशन की वजह से ही हुआ है, यहां से ही आप डायरेक्टली उस सेटिंग की पेज पर जा सकते हैं। लेट से जो ये सेटिंग का पेज था दोस्तों, ये मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और इसे भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ अगेन यूट्यूब पर और जैसे ही दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन का ये सिंबल है, यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा अगेन वही पेज ओपन हो जाएगा जिस पेज पर जाकर के हमने सारी सेटिंग की थी। देखिए दोस्तों ये पेज यहाँ से ओपन होता है, तो यहाँ पर आकर आप सारी सेटिंग जो है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक और सेटिंग है दोस्तों जो मैं आप लोगों को बता दूं, वो भी आप लोगों के बहुत काम आ सकती है, वॉल्यूम की। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हम वॉल्यूम का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हर बारी जब हमारी वीडियो प्ले होती है यूट्यूब, जब भी हम ओपन करते हैं तो वो 100 की ही वॉल्यूम पर प्ले होती है बाय डिफॉल्ट, हमें उसे कम ज्यादा या फिर म्यूट करना होता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसे टिक करता हूँ, अब यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, अगर मैं इसे म्यूट पे सेलेक्ट कर दूँ 0 पे, तो हर बारी जब भी मैं यूट्यूब रन करूंगा तो वो म्यूट पे ही रन होगा, मुझे वॉल्यूम को मैन्युअली बढ़ाना होगा। या अगर मैं इसे 10 या 20 पे सेलेक्ट करके रख दूं तो ये उतने पे ही प्ले होगा। तो दोस्तों यहां से आप अपने वॉल्यूम की जो है सेटिंग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे म्यूट पे ही रहने दे रहा हूं, ठीक है। अब अगेन मैं आ जाता हूं अपने यूट्यूब के पेज पर, यहां पर आपको मैं जो चीज बताने वाला था वो भी बता देता हूं। जैसे ही दोस्तों मैं दूसरी वीडियो कोई प्ले करता हूं, तो दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में। अब देखिए दोस्तों ये वीडियो दूसरी जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब मैं आप लोगों को इसकी क्वालिटी दिखा देता हूँ कि ये किस क्वालिटी पर रन होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, क्वालिटी के ऑप्शन में डायरेक्टली 144p जो है वो आ रहा है। यहाँ पर अगेन ऑटो नहीं है, यानी ये बाय डिफॉल्ट अब सेट हो चुका है दोस्तों। अब मैं चाहे कोई भी वीडियो प्ले करूंगा वो 144 की ही क्वालिटी पर प्ले होगा। तो दोस्तों ये एक ऐसा एक्सटेंशन है जो आप लोगों के बहुत ही काम का है, तो इसे जरूर यूज करके ट्राई कीजिएगा। और अगर इसे यूज करने में आप लोग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको मिल नहीं रहा है या फिर आपको सेटिंग्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं जरूर से उसका जवाब दूंगा। और दोस्तों अगर आप लोग जानना चाहते हो कि ये सेटिंग आप अपने मोबाइल फोन में किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अलग से बना रखी है, आप उस वीडियो को भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा और साथ ही साथ यहाँ आई बटन में भी आप देख रहे होंगे, वहां से भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट और नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ज्ञान बांटते रहिए।